हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग अभी के टाइम पे जॉब कर रहे हैं और साथ ही साथ ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, या फिर कोई भी अदर बिजनेस, दुकान, शॉप, ऑनलाइन काम, ऑफलाइन काम, या फिर कोई भी साइड हसल करके जो कि रेगुलर बेसिस पर अर्निंग कर रहे हैं, उनके लिए आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है। क्योंकि उनके मन में ये डाउट रहता है कि हम लोग ये अपना जॉब कंटिन्यू रखें या फिर ट्रेडिंग को ही अपना फुल टाइम करियर चूज़ करें। और कई सारे स्टूडेंट भी हैं जो लोग 10th 12th में हैं या फिर कॉलेज लाइफ अपना एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, कोई बड़ा लॉस कर चुका है, कोई बड़ा प्रॉफिट कर चुका है। जो लोग लॉस में हैं वो लोग लॉस रिकवरी का दुनिया भर का बहुत सारा प्लान देख रहे हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों को भटकाने वाले भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए आई ओपनर वीडियो होने वाला है। कम कैपिटल वाले जो लोग हैं उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो लोग फ्रीडम चाहते हैं ट्रेडिंग को लेकर के, फाइनेंशियली फ्रीडम होने का सपना देखते हैं, उनके लिए भी आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग उन लोगों के लिए बात कर लेते हैं जो लोग जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, या फिर ट्रेडिंग के अलावा कोई भी अदर बिजनेस है, या फिर कोई भी साइड हसल करके रेगुलर बेसिस पर अर्निंग कर पा रहे हैं, लेकिन कम अर्निंग होने की वजह से या फिर बॉस का प्रेशर होने की वजह से जॉब छोड़ने की बात करते हैं, या फिर स्टूडेंट लाइफ को क्लोज करने की बात करते हैं और ट्रेडिंग में अपना फुल टाइम करियर बनाने की बात करते हैं। क्योंकि रेगुलर बेसिस पर मेरे को कई बार कमेंट सेक्शन में ये कमेंट देखने को मिल जाता है कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। कई लोग इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेजेस करते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ, क्या मैं ट्रेडिंग में अपना फुल टाइम करियर बना सकता हूँ। तो बहुत सारे लोग इस तरह का सोच रख रहे हैं, लेकिन भाई इसमें मेरा ओपिनियन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हो तो सबसे पहले आपको अपने पढ़ाई को प्रायोरिटी देना चाहिए, आपको अपने पढ़ाई को, एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर आपका फुल टाइम करियर बनेगा या नहीं बनेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, और रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। स्टार्टिंग में आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और जो लोग जॉब कर रहे हैं भाई, अगर आप जॉब छोड़ करके परमानेंट अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हो तो भाई ऐसा आप गलती कभी भी मत करना। कम से कम आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो भी ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको कंफर्ट फील हो रहा है, आप अगर ट्रेडिंग से पैसे बना पा रहे हो तभी आपको जॉब वगैरह छोड़ने की सोचना चाहिए। अदरवाइज आप अगर जॉब छोड़ देंगे और डायरेक्टली ट्रेडिंग में घुस जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके मेंटल प्रेशर की वजह से आप वहाँ पर प्रॉफिट भी नहीं कमा पाओगे, लॉसेज भी होने लग जाएंगे, और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आने लग जाएगा। जो आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं घर संभालने का, वो सब भी आपके ऊपर हावी होने लग जाएगा। तो आप जॉब छोड़ करके ट्रेडिंग के अंदर फुल टाइम करियर बनाने के बारे में स्टार्टिंग में तो आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। तो आपको पहले समय निकालना पड़ेगा। कई लोग ये बोलते हैं कि अगर हम लोग स्टूडेंट हैं तो दिन में हम लोगों को टाइम नहीं लगता है, स्कूल जाना रहता है या कॉलेज जाना रहता है, या जो लोग जॉब करते हैं पूरे दिन भर जॉब करते हैं तो उनको ट्रेडिंग टाइम में जो 9:15 से 3:30 तक के बीच का जो मार्केट का टाइमिंग रहता है उस टाइम पर टाइम नहीं मिलता है। तो भाई देखो, इसके लिए ना आपको अपने तरफ से ही मैनेज करना पड़ेगा, चाहे आप ब्रेक में करें, लंच में करें, या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, या लॉन्ग टर्म में आप कर सकते हैं। पहले आपको अपना बेस बनाना पड़ेगा, सब कुछ सीखना पड़ेगा, लर्निंग करना पड़ेगा। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि भाई मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ सीख गया हूँ, मुझे सब कुछ आता है लेकिन फिर भी मुझे लॉस होता है। देखो भाई, आप शेयर मार्केट को 100% कभी भी नहीं सीख सकते, कुछ ना कुछ कमी हो ही जाता है साइकोलॉजिकल लेवल पर या फिर आपको बेसिक लेवल पर, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करोगे, और अगर आप मिस्टेक करते हो तो फिर आपका लॉस बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस जरूरी है, बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। तो आपको मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको जॉब बिल्कुल भी क्विट नहीं करने के बारे में सोचना चाहिए, ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है, बाकी आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, लेकिन आपको जॉब नहीं छोड़ना चाहिए। डेली बेसिस पर मेरे को कमेंट आते हैं, मैसेजेस आते हैं, मुझे बड़ा बुरा लगता है यार कि आप लोग जॉब छोड़ करके डायरेक्टली ट्रेडिंग में आना चाहते हो। मानता हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर क्विकली पैसे बन जाते हैं, लेकिन भाई उस क्विक पैसे को बनाने के लिए ना पिछला कई साल का मेहनत लगता है, कितने साल का एनालिसिस लगता है, कितना एक्सपीरियंस काम आता है, शायद वो चीज़ आपको नहीं पता है। सोशल मीडिया के ऊपर आप रातों रात देखते हो कि भाई ये इतना बना लिया, उतना बना लिया, और आजकल फेक प्रॉफिट दिखा करके क्लोन एप्लीकेशन वगैरह से आप लोगों को प्रॉफिट दिखा करके मोटिवेट करते हैं। और कई लोग का क्या करते हैं, कई लोगों की अपनी जर्नी होती है, भाई बहुत बड़ा लॉस कर चुके हैं तो वो लोग लॉस रिकवरी का स्ट्रेटजी देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर भी कई सारे लोग आप लोगों को उल्लू बनाने के ऊपर लगे होते हैं। मतलब जो लोग भी आपको लॉस रिकवरी के बारे में बताते हैं यूट्यूब के ऊपर, भाई आप एट द एंड में देखना कि आपको कहीं ना कहीं कोर्स चिपकाने के बारे में सोच रहे हैं या कोर्स बेचने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पर भी जाते हो तो कहीं ना कहीं लंबा फंस जाओगे। इसके अलावा आपको टेलीग्राम पर बहुत सारे टिप देने वाले मिल जाएंगे, डेली बेसिस पर आपको एक दो कॉल आने लग जाएंगे जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा,
तो आपको कॉल आने लग जाएंगे कि आपको ये सर्विस चाहिए वो सर्विस चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप गलती करने ही वाले हो। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर नए हो, अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो और सारी चीजें छोड़ करके अगर आप इसमें आना चाहते हो, तो किसी न किसी लेवल पर आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करोगे भाई। ये चीज आप लिख के रख लो, क्योंकि भाई बिगिनर्स को उतना अनुभव नहीं होता, उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। मैं आपको खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, कई बार मैं भी उल्लू बन चुका हूँ। कोर्सेस वगैरह में तो अभी तक नहीं गया हूँ, बट फिर भी कॉल्स एंड टिप्स के चक्कर में स्टार्टिंग में मैं भी फंसा हुआ था। तो भाई इन सब के ऊपर आप लोगों को कहीं ना कहीं ध्यान देना रहता है। साइकोलॉजी आपका भाई, साइकोलॉजी लगता होगा स्टार्टिंग में कि क्या साइकोलॉजी, लेकिन मार्केट के अंदर साइकोलॉजी का बहुत बड़ा गेम होता है। तो आपको इन सब के ऊपर ध्यान देना है। और कई सारे लोग ये सोच के आते हैं मार्केट के अंदर कि हम लोगों को फाइनेंशियली फ्रीडम मिलेगा, हम लोगों को टाइम का फ्रीडम मिलेगा, सब कुछ हो जाएगा, मतलब लाइफ में ऐसी ऐसा रहेगा। सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों को इन्फ्लुएंसर लोग दिखते हैं कि भाई गाड़ी ले लिए, कार ले लिए, घूम रहे हैं यहाँ वहाँ। भाई लिटरली बता रहा हूँ, मैं खुद यूट्यूब से जितना अर्निंग किया हूँ उतना ट्रेडिंग से अभी तक नहीं कर पाया हूँ। हालांकि मानता हूँ कि मैं यूट्यूब पिछले 6-7 साल से कर रहा हूँ और ट्रेडिंग पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। तो भाई ट्रेडिंग से कहीं कहीं ज़्यादा मैं यूट्यूब से अर्निंग कर पाया हूँ। और ट्रेडिंग के अंदर कहीं ना कहीं रिस्क रहता है, डर रहता है लॉस होने का, जो प्रेशर है वो लगा रहता है। भले आप रिस्क मैनेजमेंट कितना भी कर लो, ट्रेडिंग के अंदर आप कितने भी डिसिप्लिन फॉलो कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर आप लूज करोगे पैसे। ठीक है, आपका साइकोलॉजी खराब होगा और आप लॉस बड़ा कर सकते हो। तो आपको इस सब के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, पहले से ही बैकअप प्लान बना करके आपको रखना पड़ेगा। कोई ना कोई आपको अर्निंग का अदर सोर्सेस बना करके रखना ही पड़ेगा। फुल्ली आप यहाँ पर डिपेंड नहीं हो सकते कि भाई ट्रेडिंग से ही अर्निंग होगा, तभी हमारा घर चलेगा, तभी हमारा चूल्हा जलेगा। तो आप ये चीज़ सोच करके कभी भी मत आना, क्योंकि आजकल जो चीज़ दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, भाई बहुत गंदी तरीके से आप लोगों को लूटने का प्लान बनाया जा रहा है। तो आप इन सब में बिल्कुल भी मत फंसना। और दोस्तों कई सारे बिगनर्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास लो कैपिटल होता है, कम पैसे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास शायद कुछ कुछ इधर उधर से पैसे बचा करके रखे होते हैं, और उन सबको डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस करके पैसा लगाने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वहां पर उनको पैसे को डबल या ट्रिपल रातों रात करना होता है। तो भाई इन सब के चक्कर में आप फंसोगे तो जो आपको रेंट मिल रहा है ना, किराया भरने का पैसा मिल रहा है घर से, वो भी आप डुबा दोगे और कहीं ना कहीं आप उलझ जाओगे। तो आप भाई स्टार्टिंग में आपके पास एक्सपीरियंस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया होना चाहिए, डायरेक्टली आपको ऑप्शन के अंदर नहीं घुसना चाहिए। सबसे पहले आपको मैं बता सकता हूँ फ्रेमवर्क कि किस तरह से आपको मार्केट के अंदर एंट्री करना है। अगर आप स्टार्टिंग लेवल पर हो तो सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड के बारे में सीखना चाहिए, कैसे SIP होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। इसके बाद फिर आपको स्टॉक के अंदर घुसना चाहिए जब आपको थोड़ा एनालिसिस करने का वो हो जाए। ठीक है, आप फंडामेंटल एनालिसिस करने सीख जाओ, धीरे धीरे करके आप सीखते जाओगे। भाई इसके अंदर ना समय लगेगा, आप 2-4 महीने में, आप कभी भी आप ये सोचोगे कि आप 4 महीने स्टडी कर लोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे, भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको मार्केट के अंदर भी ना 2 साल 3 साल 5 साल का समय देना पड़ सकता है। पिछले मैं 2019 से कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म कर रहा था। ठीक है, 1-1.5 साल तक मैं लॉन्ग टर्म पहले स्टार्ट किया, म्यूचुअल फंड के बारे में सीखा, फिर स्टॉक के बारे में सीखा। तो इसी तरह से आपको भी शुरुआत करनी चाहिए, पहले म्यूचुअल फंड फिर स्टॉक के बारे में सीखना चाहिए। उसमें आपको फ्लक्चुएशन के बारे में पता चलेगा कि मार्केट किस तरह से फ्लक्चुएट करता है, किस तरह से आपका लॉस होता है, प्रॉफिट होता है। रिस्क के बारे में आपको पता चलेगा कि कितना रिस्क होता है। पहले आप स्विंग करोगे, ठीक है, 1 सप्ताह 1 महीने ऐसे करके आप होल्ड करोगे अपने शेयर्स को। इसके बाद आप इंट्राडे में आओगे, तब जाकर के आपको ऑप्शन के अंदर घुसना चाहिए। ठीक है, और आज के टाइम में जितने भी सोशल मीडिया पे हैं, मोस्टली लोग ऑप्शन के बारे में सिखाते हैं। इवन मैं खुद भी, क्योंकि मैं खुद ऑप्शन करता हूं, तो ऑप्शन के बारे में ही मैं आप लोगों को बताता हूं। एंड यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, डायरेक्टली अगर आप ऑप्शन के अंदर आओगे तो कहीं ना कहीं आपके लॉस होने के चांसेस 89% है। ठीक है, मतलब SEBI के डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि 89% लोग अभी तक लॉस में है, केवल 11% लोग यहां पर प्रॉफिटेबल हो चुके हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो आपको भाई यहाँ पर थोड़ा सा संभल करके रहना पड़ेगा। बिगिनर से तो भाई लॉस या फिर आपका जो साइकोलॉजिकल लेवल पर मिस्टेक है वो होना भाई कहीं ना कहीं तय है। तो आप इस चीज़ को मान के चलिएगा आगे। और जिनके पास लो कैपिटल है, लाइक अगर आप ये सोच रहे हो कि 5,000 से ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं, भाई देखो 5,000 से अगर आप ट्रेडिंग करोगे भी ना, तो आप 5% का या 10% का रिटर्न भी बनाओगे तो आपको कुछ खास वहाँ पर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 400 200 500 ऐसे अगर प्रॉफिट करोगे तो आपको लगेगा यार क्या ही प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो आपको वहाँ पर नहीं समझ में आएगा। इसके अलावा आपको ब्रोकरेज भी देना पड़ जाएगा, पर ऑर्डर पर आपको 20 रुपये एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पर देना पड़ जाता है। इसके अलावा SEBI का चार्ज, टर्नओवर चार्ज, NSE चार्ज, STT चार्ज, गवर्नमेंट चार्ज, दुनिया भर के चार्जेस लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव में आ ही जाओगे भाई। ठीक है, तो अगर आपके पास बिल्कुल लो कैपिटल है, 2,000 5,000 से स्टार्ट करना चाहते हो, आप लर्निंग कर सकते हो। बेशक आप 5,000 से लर्निंग स्टार्टिंग कर सकते हो, आप 1,000 रुपये से भी लर्निंग कर सकते हो। आप सीखने के लिए, बेसिक चीज़ों को समझने के लिए आप 1,000 रुपये से भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल होना चाहते हो
तो भाई 4-5 हज़ार से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आपको वहां पर रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं बनेगा। ठीक है, 5 हज़ार लेकर क्या हो गया, आप कितना रिस्क लोगे उसके ऊपर, आपका तुरंत हिट हो जाएगा। मार्केट के अंदर इतना वॉलेटिलिटी होता है, इतना फ्लक्चुएशन होता है, भाई आप वहां पर टिक नहीं पाओगे और कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, टारगेट तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो आप इन सब से ध्यान रखिएगा, इन सबको सोच समझ करके आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। आई होप इस वीडियो में आप लोगों का सारा डाउट या फिर जो भी कंफ्यूजन रहता है जो एक बिगिनर्स के मन में, भाई जॉब छोड़ दो, स्टूडेंट लाइफ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ करके ट्रेडिंग के अंदर आ जाऊँ, फ्रीडम मिलेगा लाइफ में, सब कुछ इंजॉय करेंगे, गाड़ी घर बंगला सब होगा, तो भाई ये सब दूर की बात है। पहले लर्निंग करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाकर के वो सारी चीज़ें अचीव हो पाती है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी समझ में आया, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो आपके फ्रेंड हैं फैमिली में जो ट्रेडिंग को अपना फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं और जॉब वगैरह छोड़ना चाहते हैं या स्टूडेंट लाइफ को क्विट करना चाहते हैं, तो भाई उन सबको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। भाई स्टूडेंट लाइफ ना बहुत गोल्डन पीरियड होता है, भाई गोल्डन लाइफ होता है, स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करना सीखो। ठीक है, स्टार्टिंग में ही अगर आप इतना मेंटल प्रेशर लोगे, पैसे कमाने के बारे में बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस लेने लग जाओगे और स्पेशली ट्रेडिंग के थ्रू, तो भाई बहुत कहीं ना कहीं आपके साथ गलत हो सकता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं आप सभी के लिए इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियोस लेकर के आता रहूं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना कर सकें। फिलहाल अभी के लिए स्टूडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।